तो अभी हमने कुछ जो थियोरम्स देखे थे उससे संबंधित कुछ प्रश्न सरल करके देखते हैं। जैसे कि दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, 2 × e^x − 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, 2 e^x − 2 अपॉन एक्स। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 2 × e^x − 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 e^x − 1 अपॉन एक्स। और आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि ये जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 e^x − 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 2 × 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 × e^x − 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पे सिंबल लगा देंगे कि ये इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद एक और प्रश्न है जिसमें भी दिया गया है कि सिद्ध कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 × e^x − 1 अपॉन √1 + x − 1। ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू log4 base e, इसके ये इक्वल है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 × e^x − 1 अपॉन इसको √1 + x और ये −1। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें परिमेयकरण करेंगे, और तो हर के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग करेंगे, है ना। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 × e^x − 1 अपॉन इसका √1 + x और ये −1। तो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x + 1 स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट में 1 + x + 1। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 × e^x − 1, ये एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म हो गया 1 √1 + x − 1। डिनोमिनेटर में a + b × a − b, ये वाला फार्मूला या आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 + x − 1। ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो टर्म बचेगा उसको दोनों को आप स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि 4 × e^x − 1 अपॉन एक्स, ये एक टर्म हो गया, और उसके बाद जो टर्म है √1 + x और ये −1। दो अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट है, दोनों में अलग अलग आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 × e^x − 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये अगेन लिमिट एक्स टेंस टू 0 √1 + x − 1। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म आपको दिख रहा है ना, ये log4 base e के इक्वल होता है। और इसके बाद में जो सेकेंड टर्म है, इसे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्स की जगह शून्य रखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा √1, और √1 मिल जाएगा 1। 1 × 1 करेंगे तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे इसको 1 + 0 और ये −1। यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये प्लस में है, हमने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया था, तो ये जो क्वांटिटी ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर ये आपको प्लस में मिल जाएगा। तो 1 + 1 आपको मिल जाएगा 2, सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 log4 base e। और यही हमको प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल हैं। इसमें अगला प्रश्न कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 e^sin x − 1 अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। अगेन लिमिट एक्स टेंस टू 0 e^sin x और ये −1 अपॉन एक्स है। तो इसमें हम ये करेंगे कि साइन एक्स का मल्टीप्लाई और साइन एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना, उसमें क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 e^x − 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर e^ में जो टर्म है वही आपको डिनोमिनेटर में भी मिलना चाहिए। तो उसके बाद में
तो चूंकि हमारे पास एक थ्योरम है जहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e का पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू वन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास e का पावर साइन x है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने साइन x का मल्टीप्लाई किया ताकि इस चीज़ को हम मैनेज कर सकें। और अब हम आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e का पावर साइन x माइनस वन अपॉन साइन x, और उसके बाद इस x को आप दूसरे साइन के साथ एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e का पावर साइन x माइनस वन अपॉन साइन x, और अगेन लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x अपॉन x, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन, वन इंटू वन सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा वन, और यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। अब इसमें एक और प्रश्न है जिसमें कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस टू होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होना चाहिए, यह है e का पावर x। e का पावर x का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स का पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप x की जगह में माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। इस तरीके से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको मिलता जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन वन, लेट दिस इज इक्वेशन टू, वन और टू को अगर आप ऐड कर देंगे है ना, तो आपको मिल जाएगा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। देखिए ये जो माइनस वाले टर्म हैं है ना, यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, अगेन ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद वाले जो टर्म होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टरनेट वाले जो टर्म्स हैं वो आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप वन प्लस वन करेंगे तो मिल जाएगा टू, फिर ये टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस टू इंटू एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, तो अगला टर्म मिलेगा टू इंटू एक्स का पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स, ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम टू को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से है ना, तो ये टू मिल जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स का पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड सो ऑन। अब क्या कहा गया है, ये है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, क्वेश्चन में है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस टू है ना, माइनस टू है और फिर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये लिख देते हैं हम e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म में आप माइनस टू करने वाले हैं, तो ये टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स का पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड सो ऑन, ये टर्म इस तरीके से है और ये माइनस टू है और अपॉन में हमको यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर। तो जब ये इस टर्म का मल्टीप्लाई टू के साथ होगा तो आपको मिल जाएगा टू, और ये वाला जो आपका टू है ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस टर्म को हम कॉपी कर लेते हैं और अगले पेज पर ले करके चल के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ टू, उसके बाद में टू और ब्रैकेट में आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और ये एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, इस तरीके से ये टर्म चले आ रहे हैं और ये माइनस टू है। ठीक है, और उसके बाद में है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों प्लस टू और माइनस टू को, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद जो टर्म बच जाएगा उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो दिस इज़ टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, टू का फैक्टोरियल है, प्लस एक्स का पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर है, प्लस एक्स का पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स है, इस तरीके से आगे टर्म्स जा रहे हैं लेकिन अपॉन में एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम सबके साथ में ऑपरेट कर देते हैं, तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स का पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे टर्म आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब हमको क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर,
यहाँ पर अगेन लिमिट टू कॉन्स्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू टू, और ये वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स का पावर टू अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स का पावर सिक्स अपॉन ये पावर फोर हो जाएगा, ठीक है, ये पावर फोर होगा, पावर एक दो पावर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर हमने किया इस वजह से। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो टू इंटू वन अपॉन टू का फैक्टोरियल होगा, बाकी सारे टर्म इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे जीरो मिल जाएगा, ये टर्म भी जीरो मिल जाएगा, तो जितने भी हायर ऑर्डर के टर्म्स है वो सब आपको जीरो मिलने वाला है। और फैक्टोरियल टू होता है टू, तो टू अपॉन टू करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन, और यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू वन के इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं जिसपे हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, और थ्योरम को देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, इस फलन का आपको सीमा ज्ञात करना है ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यह थ्योरम है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इस थ्योरम का हम उपयोग करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एक्स और माइनस बी का पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। इस फॉर्म में मैनेज करने के लिए हमको डिनोमिनेटर में एक्स चाहिए, तो हम एक काम करते हैं इसमें एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स को डिवाइड कर देते हैं, तो ये ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं और एक एक्स को यहाँ पर लगा देते हैं, और साइन एक्स को हमने इस तरीके से मैनेज कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको माइनस वन चाहिए है ना, माइनस वन चाहिए, तो माइनस वन इसका मतलब है वन ऐड करके वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ ए का पावर एक्स माइनस वन और माइनस बी का पावर एक्स माइनस वन, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्स को मैनेज किया है, और उसके बाद में यह है आपका एक्स अपॉन साइन एक्स। अब दोनों टर्म्स को आप अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और माइनस साइन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो बी का पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और फिर ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये तीन अलग अलग लिमिट्स हो गया। पहला टर्म इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग ए, दूसरा टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको लॉग बी, और लास्ट वाला जो टर्म है ये वन है। तो यहाँ से ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, इसको हमने ब्रैकेट पे लिख लिया है, और ये इंटू वन है। लॉग ए माइनस लॉग बी आप लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, ये आपको मिल जाएगा लॉग ए अपॉन बी, और इंटू वन करेंगे तो आपको वही टर्म मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये जो हमको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एक्स माइनस बी का पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू आपको मिल रही है लॉग ए अपॉन बी, यही हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। इसी प्रकार एक और फंक्शन है जिसमें कि दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नाइन का पावर एक्स माइनस टू इंटू सिक्स का पावर एक्स प्लस फोर का पावर एक्स देन होल अपॉन ए एक्स स्क्वायर, इसका हमको मान ज्ञात करना है। फिर से यहाँ पर आपको इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, ये है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, नीचे में एक्स स्क्वायर है तो नाइन को आप थ्री के स्क्वायर के फॉर्म पर लिख सकते हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज थ्री का पावर एक्स इंटू थ्री का पावर एक्स, और ये माइनस टू है ना, तो माइनस टू इंटू थ्री का पावर एक्स इंटू टू का पावर एक्स, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स और उसका पावर में है एक्स, और प्लस इसको लिखा जा सकता है टू का पावर एक्स इंटू टू का पावर एक्स, और ये होल अपॉन में है एक्स स्क्वायर।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप इस तरीके से भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ये 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x, 2 का पावर x और अगेन 3 का पावर x और ये 2 का पावर x और फिर ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x। फर्स्ट टू टर्म से आप 3 का पावर x को कॉमन ले लीजिए, ये मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। 3 का पावर x हम कॉमन ले रहे हैं तो मिल जाएगा 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x। और लास्ट टू टर्म से अगर आप 2 का पावर x को कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x, देन होल अपॉन में है एक्स स्क्वायर। कॉमन निकालने के बाद में जो टर्म बच जाएगा उसको हम फैक्टर के फॉर्म पर लिख रहे हैं। यहाँ पर यह 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मिल रहा है 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x और ये है अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x और इसको अपॉन एक्स कर दीजिए, और अगेन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x अपॉन एक्स कर दीजिए। तो यहाँ से पहला जो टर्म है ये आपको दे जाएगा लॉग 3/2 और दूसरा टर्म आपको दे जाएगा लॉग 3/2। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग 3/2 का स्क्वायर, और यही इस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट है जो कि हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो पहले हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट या दाई सीमा। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एल इक्वल टू, अगर एल है तो इसमें यदि एक्स जो है वो ए की ओर दाई ओर से प्रवृत्त होता है, अर्थात एक्स ए की ओर उन मानों को ग्रहण करता है जो ए से अधिक है, तो एफ ऑफ एक्स की सीमा दाई सीमा या राइट लिमिट कहलाती है। इसे एक्स टेंस टू ए प्लस, ए का पावर में प्लस ऐसा लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल वन। स्थिति है कि एक्स का मान ए से बड़ा होगा, मान के चलते हैं कि ये हमारा समीकरण एक है। और इसी तरीके से यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए या बाई सीमा की बात की जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल में यदि एक्स ए की ओर बाई ओर से प्रवृत्त होती है, अर्थात एक्स ए से छोटे मानों को ग्रहण करता है, तो एफ ऑफ एक्स की यह सीमा बाई सीमा कहलाती है। इसे एक्स टेंस टू ए माइनस इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल टू, और स्थिति है कि एक्स इज लेस देन ए है, माना कि ये समीकरण दो है। तो किसी सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। तो इस प्रकार लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा तभी उसके सीमा का अस्तित्व होगा। तो आइए चलते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर ज़ीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 3x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मॉड ऑफ x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अप्लाई करना होगा और उसके बाद हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सरल करते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो है 3x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, ये लिमिट फंक्शन से बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और आप लिखेंगे एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अगर आप पॉजिटिव लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से आप x को कॉमन ले सकते हैं और न्यूमिनेटर में जो टर्म है उससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये x बाहर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। ये x और ये एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आप इसको लिखेंगे ये 3 है और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स।
अब अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0, दिस इज 3। और फिर से हम इसके लिए राइट हैंड लिमिट लिए थे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलते हैं। ये लिमिट x टेंस टू 0, 3x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा फंक्शन से, फ्री फ्रॉम x है इसलिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिए थे, अब हम इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलते हैं। तो x 0 माइनस ऐसा लिखेंगे, और ये x अपॉन, यहाँ पर x के स्थान पर आपको माइनस x लिखना है क्योंकि मॉड x की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन वही काम करेंगे कि जो टर्म आपका कैंसिल हो रहा है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले करके कैंसिल कर देंगे। तो ये मिल गया 3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल रहा है 3 इंटू 0 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 3। समीकरण एक और ये हमारा समीकरण दो। तो समीकरण एक और दो से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका जो राइट हैंड लिमिट है ना, 3x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसके सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसके सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0, 3x अपॉन मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर के सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, जहाँ पर फंक्शन पर अलग अलग लिमिट के लिए अलग अलग वैल्यूज दिए गई है। दिया है कि निम्न फलन की x इज इक्वल टू 1 पर सीमा के अस्तित्व की जांच कीजिए, सीमा के अस्तित्व की जांच कीजिए। ठीक है, और फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, यदि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1, और 4 है यदि x इज इक्वल टू 1 है, और 5x है यदि 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पर वैल्यू है 3x। ठीक है, ये वैल्यू डिफाइंड है उसके लिए, निगेटिव वैल्यू के लिए। तो हमने ये 3x वैल्यू को पुट कर दिया है, अब जब इस पर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1 है, तो उसका मतलब है यहाँ पर f ऑफ x जो डिफाइंड है ये 3 है, 3x के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3। इसी तरीके से हम इसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, जब x का मान जो है 1 से अधिक है तब हमको 5x इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 5x, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरीके से और भी प्रश्नों को हल करना है, जहाँ पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और अगर दोनों इक्वल है
तब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कुछ उपयोगी विस्तार हैं जो कि आपको प्रश्नों को सरल करने के लिए हेल्पफुल होंगे, जिसमें है पहला है 1 + x^n। आपने पूर्व अध्याय में द्विपद प्रमेय पढ़ा है, वहाँ पर इसका विस्तार हमने देखा था कि 1 + x^n इज इक्वल टू 1 + nx + n ((n-1)/((2)(x²) + (n(n-1)/((n-2)/(3)(x³)(and so on)। इस तरीके से ये इसका विस्तार है। अब चलते हैं log ऑफ 1 + x का विस्तार लिखने के लिए। तो ये log ऑफ 1 + x इक्वल टू होता है x − x²/(2)+(x³)/(3)-(x⁴)/(4)(and so on)। आगे भी आपको पद मिलते जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम x के स्थान पर -x लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 - x इज इक्वल टू -x − x²/(2)-x³/(3)-x⁴/(4)(and so on)। इसमें भी आगे पद आपको इस तरीके से मिलते जाएंगे। इसके बाद चर घातांकीय बहुपद ऐसा कहा जाता है e^x को। तो ये e^x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x²/(2)+(x³/(3)/(4)/(4)(and so on)। आगे इस तरीके से और भी पद आपको मिलते जाएंगे अनंत तक। इसके बाद यदि e^x का एक्सपेंशन लिखा जाए तो ये होता है e^x इज इक्वल टू 1 + x (log a) + x²/(2)(log a³)/(3)(log a³)/(3)। इस तरीके से आगे भी आपको इसके पद मिलते जाएंगे। अब आगे चलते हैं साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन। तो साइन एक्स जो होता है इसका विस्तार होता है (sin x = x − x³/(3)+(x⁵)/(5)/(7)/(7)(and so on)। आगे भी इसके पद मिलते जाएंगे। कॉस एक्स का विस्तार होता है (cos x = 1 − x²/(2)+(x⁴)/(4)-(x⁴)/(6)/(6)(and so on)। तो देखते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म मिलता जाता है, और आप देख पा रहे होंगे कि घात एक एक घात इसमें एब्सेंट है, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। और अंत में देखते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू होता है (x+x³/(3)+(2)/(15)/(5)(and so on)। इस तरीके से भी आगे इसके पद मिलते जाएंगे। इन सब के बाद पूर्व में हमने कुछ थ्योरम्स या प्रमेय हमने सिद्ध किए थे जो कि महत्वपूर्ण हैं, और इसका उपयोग आप प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे। जिसमें है पहला थ्योरम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 (e^x − 1)/(x) ये इक्वल टू होता है log a के, और यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x/(x) हो तो ये वैल्यू आपको मिलता है 1, और यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 (e^x − 1)/(x) हो तो ये इक्वल टू 1 होता है, और अंत में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 + 1/(x)^(x) ये e के इक्वल होता है। तो चलिए सरल करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को।